भोजपुरी के स्टार गायक रितेश पांडे ने अपनी गायकी से सभी भोजपुरी दर्शकों का दिल जीत लिया है और बन गए हैं सबके फेवरेट भोजपुरी सिंगर। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि अपने म्यूजिक के सफर की कहानी उन्होंने कैसे तय की। उन्होंने बताया कि कैसे सिंगिंग उनके जुनून से उनकी जिंदगी बन गई। बताते हैं आप सभी को ये सारी बातें। हालांकि म्यूजिक उनका शौक जरूर था, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि वो एक दिन म्यूजिक को ही अपनी जिंदगी बना बैठेंगे। उन्होंने बताया कि मैंने काफी अच्छे नंबरों से इंटरव्यू पास किया था और माता पिता चाहते थे कि मैं मेडिकल में अपना करियर बनाऊं, लेकिन मुझे काफी लोगों ने कहा था कि तुम काफी अच्छा गाते हो, तो मैंने भी यही डिसाइड कर लिया था कि अब म्यूजिक को ही अपना करियर बनाना है और लग गया अपने करियर की तैयारी में। हालांकि उस समय मेरे घर वाले शुरुआत में काफी ज्यादा नाराज हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे कामयाबी मिलने लगी तो वो लोग भी मेरे साथ देने लगे। और शुरुआत में तो मेरी सारी कैसेट सुपर फ्लॉप हुई, लेकिन फिर एक कैसेट काफी ज्यादा हिट हुआ, जिससे कुछ पैसों का इंतजाम किया गया और फिर कई सारे गाने भी गाए, लोगों ने कैसेट को पसंद भी किया। बता दें कि आज रितेश उन महान हस्तियों में शामिल हो चुके हैं जिनके सिर्फ नाम से ही कोई फिल्म या गाना हिट हो जाता है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।